अपनी कार्यशैली से आमजन में विश्वास और अपराधियों में भय उत्पन्न करने वाले राजस्थान पुलिस के जिम्मेदार अधिकारी अजमेर पदस्थापित वृत्ताधिकारी ग्रामीण आईपीएस सुमित मेहरडा अपनी सख्त पुलिसिंग के साथ साथ सामाजिक सरोकार भी बखूबी निभा रहे हैं। आईपीएस सुमित के नेतृत्व में लगातार चौथे रविवार जारी रहा तीर्थनगरी पुष्कर की दुर्गम पहाड़ियों में सफाई अभियान। आईपीएस सुमित की अगुवाई में पुलिस, स्थानीय नगरपालिका और पुलिस मित्र टीम के साथ साथ स्थानीय नागरिक, पर्यटक भी जुड़ रहे हैं अभियान में। आज लगातार चौथे रविवार को भी तीर्थनगरी पुष्कर के पंचकुंड गौमुख के साथ साथ आसपास की पहाड़ियों में फैले कचरे को एकत्रित कर स्वच्छ और सुंदर बनाया गया। आईपीएस सुमित की पहल पर हर रविवार को चल रहे सफाई अभियान का न सिर्फ पुष्कर बल्कि जिले भर में सराहना की जा रही है। जिस तरह से स्वच्छता अभियान रफ्तार पकड़ रहा है, वो निश्चित ही जन अभियान बनकर तीर्थनगरी के दर्शनीय स्थलों की आभा को निखार सकने में कामयाबी हासिल करेगा। आईपीएस सुमित की अगुवाई में पवित्र सरोवर के 52 घाटों समेत सावित्री माता, पाप मोचनी माता की भी बीते रविवारों को सफलतापूर्वक सफाई कर दी गई है। जय हिंद। आज हम सबने पुलिस मित्र प्लस नगर पालिका के सदस्य सब आ गए थे और आज चौथे हफ्ते लगातार हमने सफाई की है। तो आज ये पंचकुंड इलाका और जो गौमुख का जो इलाका है उसको हमने काफ़ी अच्छा साफ किया। नगर पालिका से बहुत अच्छा सहयोग मिला, उस वजह से ये पूरा ट्रैक्टर जो आप देख पा रहे हैं दिखाई, तो वो जो पूरा ट्रैक्टर है वो भर के हमने आज प्लास्टिक और जो भी वेस्ट था वो सारा क्लियर कर लिया है। और हम हर हफ्ते संडे को कोशिश करते हैं कि सुबह उठ के साफ़ सफाई कर पाएँ। तो अभी हमारी टीम बढ़ती जा रही है और हम चाहते हैं कि आम जनता भी इस आंदोलन की भागीदार बने और पुष्कर जहाँ पे तीर्थनगरी बोलते हैं उसमें जो सफाई है वो और अच्छी कर पाए। प्लान यही है कि हर हफ्ते अपन कोशिश करेंगे जितनी सफाई हो सके उतनी हो सके, लेकिन क्या होता है कि कोई भी आंदोलन तभी सक्सेसफुल हो सकता है जब ज़्यादा से ज़्यादा आम जनता जुड़ पाए। तो हमारा सबसे ये आग्रह है कि हर संडे को एटलीस्ट सब फ्री रहते हैं, तो उस दिन जितने से ज़्यादा लोग आ सकते हैं उतने ज़्यादा लोग हमारे साथ आके हमारे साथ इसको एक जन आंदोलन बना पाए। सर का मैसेज आया था, वैसे तो हम साफ सफाई से और स्वच्छता से जुड़े रहते हैं, लेकिन विशेष अभियान सर की गाइडेंस में आज यहाँ गौमुख से पंचकुंड तक हमने किया है और बहुत अच्छा लगा कि यहाँ से पुष्कर से जुड़ा हुआ और यहाँ आम, जैसा कि सर ने कहा अभी आम जनता का जुड़ाव बहुत ज़रूरी है, तो आम जनता अगर जुड़ेगी तो थोड़ा और अच्छा लगेगा और जो व्यवस्था है इसमें अति शीघ्र सुधार आएगा। करीब 4 घंटे चले इस अभियान में करीब 1 ट्रैक्टर ट्रॉली भरकर और कचरा निकाला गया और साथ ही साथ हम सब की यही अपील है कि आम जनता भी इस अभियान में ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े और अपने पुष्कर तीर्थ को साफ और स्वच्छ बनाने में सहयोग करें। सबसे पहले हम धन्यवाद देना चाहेंगे आईपीएस साहब और पुलिस मित्र अभियान का जो इन्होंने यहाँ गौमुख के यहाँ सफाई अभियान शुरू किया है। हम अक्सर यहाँ गौमुख आते रहते हैं और यहाँ पे कोई साफ़ सफाई और कोई व्यवस्था दिखाई नहीं पड़ती है और पुलिस मित्र टीम ने यहाँ पे सफाई अभियान आज शुरू किया।